विधानसभा मार्च के दौरान गुरुवार को पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज एवं बीजेपी के जहानाबाद जिला महासचिव के मौत के बाद पूरे बिहार में बीजेपी कार्यकर्ता काफी गुस्से में हैं। इसी को लेकर कल भी पूरे बिहार में अलग अलग जगहों पर मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया था। उसके बाद आज पूरे बिहार समेत पूर्णिया जिले में भी कार्यकर्ताओं के द्वारा शहर के थाना चौक पर काला दिवस के रूप में काला बिल्ला लगाकर धरना प्रदर्शन किया गया। धरना के दौरान बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं ने जहानाबाद जिला महासचिव विजय कुमार सिंह को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए पूर्णिया जिला अध्यक्ष राकेश कुमार ने कहा कि नीतीश की हत्यारी सरकार ने जो काम किया है इसके लिए हम लोग सीबीआई जांच की मांग करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पर भी हत्या का केस दर्ज होना चाहिए। आज पूरे बिहार में हम लोग काला दिवस मना रहे हैं। 13 तारीख को जो बिहार सरकार, खासकर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव अपने कमियों को छुपाने के भारतीय जनता पार्टी के माननीय सांसद, विधायक एवं कार्यकर्ताओं जिस बर्बरता को लाठी चार्ज कर चोट पहुंचाने का काम किया, तितर बितर करने का काम किया और फिर लिपापोती करने का काम किया, जिसमें हमारे एक कार्यकर्ता विजय सिंह जो जहानाबाद के जिला महामंत्री थे उनकी असमय मृत्यु हो गई, जिसको शहीद का दर्जा भारतीय जनता पार्टी देती है, उनको पुष्पांजलि कर आज हम लोग काला दिवस मना रहे हैं। और सरकार को ये आवाज, जो जनता की आवाज बन करके विजय सिंह लेकर के गए, उन्होंने ये सवाल पूछा था, जो सवाल हमारे नेताओं लोगों ने पूछा था अपने प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, जो हम लोग विधानसभा मार्च कर रहे थे, उसमें एक सवाल था। तो सवाल था कि 10 लाख रोजगार का जो तेजस्वी यादव ने पहली कैबिनेट की बैठक की थी उसमें उन्होंने कहा था कि हम करें लाएंगे, वो सवाल पूछने गए। हम लोगों ने ये सवाल पूछा था कि शिक्षकों के ऊपर आपने लाठीचार्ज क्यों, हम लोग का ये सवाल था कि शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा क्यों नहीं दिया जा रहा, हमारा ये सवाल था बिहार के डोमिसाइल नीति के साथ छेड़छाड़ क्यों किया जा रहा है और वहाँ के शिक्षा मंत्री के द्वारा हमारे जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो पूरे भारतवर्ष में इस मान से ये करते हैं कि सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस बनते हैं बिहार से अपने पढ़े लिखे के कारण, वो सब जगह आज के डेट में पूरे भारतवर्ष में अच्छे से प्रीमियम कॉलेज में भी चले जाएं, तो बिहार के अभ्यर्थी बनते हैं, उनसे ये कहना कि ये लोग मैथ में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में कमजोर है, ये सवालों का जवाब मांगने के लिए हम लोग गए। तो सवाल का जवाब उन्होंने हमारे ऊपर अत्याचार के रूप में दिया, उसमें हमारा एक कार्यकर्ता शहीद हो गया। अरे जवाब नहीं था तो इस्तीफा दो ना, जवाब नहीं है तो सत्ता छोड़ो ना, ये कौन सा चीजें हुई। आप ऐसे उप मुख्यमंत्री को अपने गद्दी पर बैठा दिया है जो चार्जशीटेड हो गए, चार्जशीटेड का मतलब समझते हैं, एक उप मुख्यमंत्री बनकर के पूरे भारतवर्ष में आप क्या संदेश देने का कोशिश कर रहे हैं कि एक चार्जशीट को मुख्यमंत्री आपको मुख्यमंत्री बना करके सत्ता में रखे हुए हैं। ये जवाबों का जवाब देने के बजाय कार्यतापूर्वक उन्होंने कार्य किया, पुलिस से बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज करवाई और जिसका आज प्रतिरोध में हम लोग बैठे हैं काला दिवस।